अस्सलाम वालेकुम साथियों, गोश्त चढ़ाने लगे हैं तो हमने सोचा कि हम इस रेसिपी के साथ साथ आपको मीट बेसिक्स जो हैं वो भी सिखा दें। तो बहुत से लोग जो जॉब्स करते हैं, लेडीज़ जो घर पर नहीं होती दिन भर और आकर उन्होंने फैमिली को फीड करना होता है, या स्टूडेंट्स हैं या बच्चे माओ से जो दूर फैमिली से दूर पढ़ रहे होते हैं, या ऐसी लेडीज़ जो पाकिस्तान जा रही होती हैं और उनके हस्बैंड्स जो हैं वो अकेले होते हैं, वो ऐसा करके इस तरह पर पका के फ्रीज कर जाएं। तो हमने भी ज़िंदगी में ये काम किया है, बेटे के लिए भी किया है, और वैसे भी हमने कभी कभी एक दो कंटेनर्स जो हैं वो इस तरह के रेडी करके फ्रीज़र में रखे होते थे। अब नहीं करते। अगर आप पका के फ्रीज करें सालन को तो आपको सिर्फ 30% टेस्ट आता है, असल जो ताज़ा खाने का जायका है वो उसमें से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस तरह पर मीट बनाकर फ्रीज कर लेने से आप 90% जायका जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं। हमने 1 किलो पर बनाना है और साथ साथ आपको बताएंगे कि आप इसको 10 किलो पर या 15 किलो पर किस तरह बना सकते हैं और कैसे फिर इसके कंटेनर्स बना सकते हैं। तो ये आप लैम ले लें, गोट ले लें और मटन ले लें, बीफ ले लें, कुछ भी ले सकते हैं जो आपके घर में रोज़ पकता है वो आपने बनाना है। टाइम करीबन अब आजकल के दौर में तो इन सबको एक जितना ही लगता है। अगर मीट अच्छा है, मटन जो है वो बहुत ओल्ड नहीं है, बूढ़ा नहीं है, या बीफ बहुत हार्ड नहीं है, तो वो एक ही टाइम में गल जाता है। जैसे कि ये चेक का है और इसका फैट हमने नहीं उतारा है। बहुत ज़्यादा गोश्त को साफ ना करें वरना ये है कि सालन में से जायका भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ ममालिक ऐसे हैं या कुछ जानवर ऐसे होते हैं, ये सप्लायर पे डिपेंड करता है कि जिनके फैट में स्मेल होती है, तो आप उस जगह से गोश्त ना लें, दूसरे किसी बुचर से ले लें। उससे यह है कि ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम चिकन और कहीं की नहीं खा सकते, हमें स्मेल आती है, हम एक ही जगह की चिकन लेते हैं, हार्मोन फ्री होती है, बहुत बड़ा बर्ड होता है, और अमूमन जो आप हमको पकाते हुए देखते हैं वो आधा परिंदा है जो कि हम बना रहे होते हैं। तो बहुत बड़ी चिकन होती है, आधा भी एक वक्त के खाने के लिए या दो वक्त के खाने के लिए, 4-5 अफराद के लिए बहुत काफ़ी होता है। 1 किलो हमने चक का मीट लिया है, बहुत ताज़ा, बहुत ही अच्छा, और उसमें हमने ये एक लार्ज साइज का अनियन जो है वो डाल देना है। तो इसमें आप चाहे चने की दाल डाल लें, चाहे आलू डाल लें, टिंडे डाल लें, भिंडियाँ डाल लें, करेले डाल लें, जो मर्जी, जो भी आपको पसंद है, जो बेस है उन सब सालनों की वो ये है जो हम बनाने लगे हैं। तो ये रहा प्याज, और इसको हमने यूं ही बस 4 टुकड़े करके डाल देना है। अगर 5 किलो हो तो 5 प्याज, अगर 10 किलो हो तो 10 प्याज, 15 किलो हो तो 15 प्याज। फर्क 1 किलो पकाने में और 10 किलो पकाने में सिर्फ एक ही है, वो ये है कि 10 किलो में आपने पानी नहीं डालना, और 10 किलो के लिए आपको पॉट खुले मुंह की और आग तेज चाहिए, और 1 होल गार्लिक। तो अगर आपने 10 किलो पकाना है तो 10 गार्लिक, 20 किलो पकाना है 20 गार्लिक, 15 किलो पकाना है 15 गार्लिक, होल गार्लिक। ये हम एक का दिखा रहे हैं, तो आप इसको खुद से ऐड कर सकते हैं। तो नमक 5 ml का हो तो 1 teaspoon फुल चोटी लगा के, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपने सालन नहीं बनाना होता, भिंडियाँ बनानी हैं, करेले बनाने हैं, तो वो भुना भुना होता है, उसके लिए 1 चम्मच जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये चम्मच जो है ये 5 ml का नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। तो 5 ml का टीस्पून, 1 teaspoon फुल काफ़ी होता है। फिर जब आप सालन बनाएं तो उस वक्त आधी चमची डाल लें, जैसे आलू गोश्त बनाना है, लौकी गोश्त बनाना है, रनी सालन जो बनाना है उसमें उस वक्त आधा चम्मच बाद में डाल लें। तो एक हमने डाला 1 किलो में, 10 किलो में 10 चम्मच सॉल्ट और 1 teaspoon फुल चिली पाउडर, 10 किलो में 10 teaspoon चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 teaspoon फुल, 10 किलो में 10 टीस्पून फुल, क्यूमिन सीड्स 1 teaspoon फुल, 10 किलो में 10 टीस्पून फुल, और 1/3 teaspoon जो है टर्मरिक पाउडर, 1 किलो में 1/3 teaspoon और 10 किलो में 3 teaspoon फुल आपने डालनी है, 5 में 1/2 teaspoon फुल। तो हमने तो इसको प्रेशर देना है, इस वजह से हमने इसमें डाला 1 कप पानी, 1 कप जो आम स्टैंडर्ड चाय का मग होता है वो आप डाल लें, बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। और आपका प्रेशर कुकर जो है वो कैसा है, कितना पानी लेता है, आप उसके हिसाब से करें। हमारा प्रेशर कुकर जो है वो इसको 1/2 कप में भी पका देगा, तो इस वजह से आप देख लें, और टाइम भी जो है आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक ही देखें कि आपको कितना लगेगा।
एक किलो बनाना है तो फिर तो ठीक है कि आप प्रेशर कुकर में प्रेशर दे लें, लेकिन अगर आपने 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 15 किलो पकाना है तो आपने इसको प्रेशर नहीं देना, ना ही पानी डालना है। आपने उसको ऐसे ही आंच ऑन कर देनी है, वो अपना पानी निकालेगा और उसी में पकेगा। मेक श्योर करें अगर वो 8-10 किलो है या उससे ज़्यादा है तो बहुत खुले मुंह का बर्तन हो और बड़ा बर्नर हो जिस पे आप उसको पका रहे हैं। अगर आंच कम होगी तो हलवा हो जाएगा। रख छोड़ें, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ता है, खुद ही देखते हैं प्याज गलने लगा है तो उस वक्त आप उसको फिर कंटेनर्स में डाल लेते हैं। तो ये हमने इसमें एक टमाटर भी डाल दिया। तो अगर आपने प्रेशर नहीं देना तो आप इसको ऐसे ही उबाल लें, पका लें, जब अनियंस जो हैं वो इसमें गुमने लगे तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है, उस वक्त आप इसको फिर कंटेनर्स में पैक कर लें। तो हमने तो प्रेशर देना है, 1 किलो है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसमें 2-2.5 कप पानी डाल के इसको बस ढक छोड़ें मीडियम आंच पे, जब प्याज गुम होने लगे उस वक्त आप समझ लें कि गोश्त भी जो है वो तैयार ही होगा, चेक करें और फिर उसको कंटेनर्स में पैक कर लें। तो 1 किलो गोश्त जो है वो 2 कंटेनर्स में आ जाता है। बहुत अच्छा, प्रेशर देते हैं बिल्कुल ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा। तो अब प्रेशर जो है नीचे हो गया, बिल्कुल ही 1 मिनट हमने इसको प्रेशर दिया, ये देखें। तो जब तक इस पानी में ज़रा खुश्क होना है, जब तक सारा कुछ जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। और इतना नहीं गलाना है इस वक्त कि सब्जी डालें तो हलवा ही हो जाए गोश्त का। तो ये आप समझेंगे 10 किलो, तो जब आप 10 किलो गोश्त बनाते हैं बगैर पानी के उसमें भी इतना ही पानी हो जाता है, खुद ब खुद गोश्त जो है वो पानी रिलीज कर देता है। आंच ऑन की है, पानी हम ज़रा कम कर लेंगे फिर हम इसको टब्स में निकाल लेंगे। तो 2 साइज़ हैं टब्स के, जो चाहें ले लें अपनी फैमिली के मुताबिक, एक ये है और एक ये है, देखें। तो एक बड़ा है एक छोटा है, अमूमन हम इसमें पैक करते हैं, बहुत अच्छा आ जाता है। तो अगर हड्डी वाला गोश्त हो तो फिर ज़रा बड़े में डालना पड़ता है। तो आप जब काम से वापस आएँ तो कंटेनर जो आप फ्रीज़र से निकाल के गए हुए हों उसमें आप सब्ज़ी डाल लें। तो ताज़ा का ताज़ा सालन जो है वो फ्यू मिनट्स में तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमने पत्ते डाले हैं ये करारा बना देते हैं गोभी को बहुत। और हमने इसके अभी 2 हिस्से करने हैं और एक में हमने डाल देनी है गोभी आपको दिखाने के लिए और दूसरे में हमने डाल देने हैं आलू। तो हिसाब से ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं कि जायका ही ना रहे। तो ये वाले जो कटोरे हैं इनके बगैर गुजारा नहीं होता है घर में, हर चीज़ धोने के लिए, सब्ज़ी काट के डालने के लिए, कुछ घोलने के लिए, दही बनाने के लिए, सलाद काटने के लिए, प्याज धोने के लिए, जो गहरे वाले कटोरे हैं वो इतने यूज़फुल नहीं होते, जो रियल कटोरा शेप कटोरा होता है। और मजाल है कि इनमें से कोई एक भी कभी टेढ़ा हुआ हो या ख़राब हुआ हो या जंग लगा हो, बिल्कुल नहीं। तो ये जो कटोरे हैं बाहर की दुनिया में आमतौर पर ये मिलते हैं लेकिन ये इतने यूज़फुल नहीं है। चिड़ियों का दाना डालना हो ठीक है, कोई और बच्चे को बर्फ़ देनी हो खाने के लिए ठीक है, ऐसी चीज़ गहरी, लेकिन जो किचन का काम है वो इन कटोरों से ही किया जा सकता है प्रॉपरली। तो ये देखें आप, ये गाढ़ा हो गया बिल्कुल, इसमें देखें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना प्याज, ना टमाटर, ना लहसुन, नथिंग। और गाढ़ा हो गया, इस वक्त हमने इसकी आंच जो है बंद कर देनी है। सब मिल गया है, बिल्कुल तैयार है। ये है मीट की बेस, सब सालनों की जो बेस है वो ये है। आप जो मर्जी पका लें, आपका दिल करता है बिरयानी बनाने को आप इसी में सारा कुछ डाल के बिरयानी बना लें। हाँ ये है कि बिरयानी में हल्दी नहीं जाती लेकिन आप बना सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बना सकते। देखा आपने कितने अच्छे 2 ये बन गए। अच्छा अभी हमने इनको ऐसे करके बराबर करना है, फिर ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसलिए नहीं कि ये जगह सारी पूर कर दे बल्कि इसलिए कि हमने इनकी ग्रेवी बराबर करनी है। मीट तो हमें दिख जाएगा
ये नहीं पता लगेगा कि किस में ज़्यादा है मसाला ग्रेवी, किस में कम है, तो हमको बराबर की करनी है। तो इसका जो लेवल है वो देख लें आप, इसमें कम लग रही है इस वाले में, तो इसमें हमने एक चमचा भर के और डाल देना है। तो बंद हमने इनको जब करना होगा जब ये ठंडे हो जाएं। तो ये देखें इस तरह पर जब इनकी भाप सरा निकल जाए, इनको लिड लगाएं, बंद करें, हाथ से जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आप इनको फ्रीज कर लें। बस ये होगा कि आप इनको काम पे जाने लगे निकाल जाएं, सुबह कोई आपने काम करना है या शॉपिंग जाना है तो रात को निकाल दें, घर आके काम से ये डालें, तेल डालें, भूनें और सब्जी डाल लें, काम ख़त्म, कुछ भी नहीं करना है। आप हर किस्म का सालन जो है वो इससे तैयार कर सकते हैं और टेस्ट में आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो साथी बहुत पूछते हैं हम फ्रीज़ क्या क्या कर सकते हैं, तो पक्का पकाया सालन जो है वो फ्रीज़ करना बिल्कुल बेकार है, तो वो ना करें। इस तरह कर लें 20 कंटेनर बना के, ये 1 किलो के 2 बन गए बहुत अच्छे, तो ऐसे 20 कंटेनर जो हैं वो 10 किलो के बन जाएंगे आराम से। और फिर आप उसको निकालें, थाव हुआ होगा, जाने लगे निकाल जाएं, सुबह काम पे जाने लगे निकाल जाएं, रात को निकाल लें और बस तेल डाल के सब्जी डाल लें, काम ख़त्म हुआ। तो बहुत ही ये हैंडी रहते हैं, बहुत ही ये प्रैक्टिकल ट्रिक है जो हमने सारी ज़िंदगी जिसका फ़ायदा उठाया है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत प्रैक्टिकल है कि माएँ जो हैं वो ऐसे डब्बे बना के दे दें, उनका जो दिल करे वो सब्जी डाल लें बीच में, तो मटर डाल लें, आलू डाल लें, गोभी डाल लें, टिंडे डाल लें, शलजम डाल लें, एनीथिंग। तो ये देखें इस तरह से बंद करेंगे और ये सबसे अच्छी बात ये है कि सारे कंटेनर्स ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो आप इनको स्टैक कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि सुबह जाने लगे काम पे, आप एक कंटेनर निकाल के गए हुए थे, तो अगला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है। तो ये जो है आप आए काम से, ये इस तरह पर डालें और इसमें बॉइलिंग वाटर ज़रा सा डाल के या गर्म पानी ज़रा सा डाल के इसको रिंस करके इसमें डाल लें। तो ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, कुछ नहीं इसमें रहा। इसके नीचे आंच ऑन करें और दूसरा जो हमने बनाना है पैकेट वो बनाना है आलू गोश्त का। अभी इसको रखे हुए 2 मिनट नहीं हुए हैं, आप देखें बिल्कुल ये भूनने के लिए तैयार है। इसमें डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और दूसरी पॉट में भी डालते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तो जो गोभी है उसमें जाएगी जिंजर और काली मिर्च, तो ये डाला अदरक, ये डाली 1/2 टीस्पून काली मिर्च। आप इसको खुद ही भून के खा सकते हैं जी, बता दें कि ये अगर सिर्फ ये खाने घर में कोई बिगड़ा हुआ हो तो आप उसको ये भून के ही खिला दें। अम्मा जी, मैं एक बिगड़ी हुई बच्ची नहीं हूँ लेकिन मैंने ये गोश्त खाना है। हाँ है, तो जो बनाना है गोभी गोश्त उसमें डाला ये काली मिर्च और अदरक, मेरेंग को मिक्स करते हैं ना जी, उसी एक लाइट हैंड से बिल्कुल बिल्कुल स्विश एंड क्लिक, गोश्त भी निकल जाएगा बहुत गोश्त पोए हो जाएगा। तो ये देखें जरा सा हिलाया, क्या खुशबू आई है, अभी तक जूस नहीं बनाया। ये डाली गोभी, ये डालते हैं 1/2 कप इसमें पानी, हमें बहुत ड्राई गोभी जो है वो पसंद नहीं है, जिसने ड्राई ड्राई खानी है जिसको पसंद है वो बेशक दम कर दे बस गोभी डाल के, ना डाले पानी। मैं कच्ची 1/2 फूल तो मैं खा गई हूँ, बहू की पसंद का चमचा है ये, वो बड़े शौक से इससे पकाती है, बेटी ने भी वही निकाल लिया जी। तो ये भून गया, तो आपने समझें कि बस की निकाला है, तेल डाला है, भूना है 2 मिनट और फिर इसमें डाल देने हैं आलू और ये डालते हैं पानी। तो 1.5-2 कप पतला शोरबा बनाना है इसका। जैसे बार दफ़ा मेहमान होते हैं कोई, वो कहते हैं और मेहमान आए हैं, वो आना चाह रहे हैं, हमसे मिलना चाह रहे हैं, हम आ रहे हैं,
तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप जितना मर्जी पका सकते हैं, जितनी मर्जी डिशेस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। आपने वो कंटेनर ला के हॉट वाटर उस पर से गुजारना है, उसमें से मीट जो है वो पूरा ब्लॉक बाहर निकल आएगा और उसको माइक्रोवेव में रख लेना है 2 मिनट के लिए। उससे यह है कि वो टूट जाएगा, उसकी बर्फ़ जो है वो भुरभुरी सी हो जाएगी, वैसा ब्लॉक नहीं रहेगा। 2 मिनट रखने के बाद आप उसको पॉट में डाल लें तो सारा मीट जो है वो खुल जाएगा और आप उसको इंस्टेंटली पका सकेंगे। तो कंटेनर को ऐसे हॉट वाटर के नीचे कर लें, यहाँ से गर्म पानी नलके का ही गुजार लें, वो फिर डब्बा छोड़ देगा, सारा ब्लॉक हाथ में आ जाएगा। ब्लॉक को कॉर्निंग वेयर में डालें और माइक्रोवेव में रखते हैं। हमारे पास तो ऐसे प्लास्टिक के बर्तन होते नहीं तो हम सारा कुछ कॉर्निंग वेयर में ही कर लेते हैं, तो आप भी इस तरह पर कर लें क्योंकि प्लास्टिक वेयर जो है वो माइक्रोवेव में रखना सेफ नहीं है। तो हमारे घर में वैसे भी नहीं है, हमें लगता है कि वो साफ़ नहीं होता सही से, हमेशा स्लिपरी ग्रीसी रहता है और हाइजीन के लिहाज से भी और फील के हिसाब से भी हम उससे कंफर्टेबल नहीं रहे ज़िंदगी भर। तो आपको हमारे घर में कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्योंकि आलू हैं इसमें नमक हमें ज़्यादा चाहिए होगा, तो 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया सॉल्ट। ये जो पॉट्स हैं ये वाली, ये स्कैन पैन की हैं, कॉनिक इनका नाम था या स्टाइल था, अब नहीं मिलता है। ये हमें बहुत अच्छी इसलिए लगती हैं कि ये एक दूसरे में चली जाती हैं। आलू गल जाए, गोभी देखते हैं, हिला लिया और इसको, तो इसकी आंच जो है अब हमने हल्की कर देनी है, बस इतनी सी, देखा, आई होप आपको नजर आ रही हो। और फिर इसको ढक देना है। हरी मिर्चें नहीं डलती हैं इसमें, आप हरी मिर्चें डालें तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, ना ही आलू गोश्त में डलती हैं। शौक से डाल लें, ऐसे देगी सा उसको फ्लेवर देना हो, खुशबू देनी हो, बाजारी सा बनाना हो तो हाँ आप हरी मिर्चें डाल लें, कभी कभी डाल लेते हैं हम भी, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है आलू गोश्त की उसमें अदरक और हरी मिर्च नहीं डलती। आलू गोश्त खोल के देखते हैं, हमें लगता है कि हो ही गया। जब इसकी किनारी थोड़ी सी शार्प ना लगे समझ लें कि ये हो गया, इस तरह से देखने पर भी आपको पता लग सकता है। ये डाला फ्रेश कोरिएंडर घर का, बहुत ही खुशबूदार है, बाजार का जो कोरिएंडर है उसमें कभी भी इस तरह की खुशबू नहीं होती। अभी हमने दही की बनाई चटनी सोनी के लिए, खुशबू थी हमारे घर में, अब हो गए आलू बिल्कुल जी। तो ये रहा हमारा आलू गोश्त जो कि हमने समझें कि एक फ्रोजन कंटेनर से तैयार किया है, तो बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा, बेहतरीन खुशबूदार, इस तरह पर आपका सालन जो है वो तैयार होगा और फ्यू मिनट्स में। अभी आंच बंद की है, आप देखें बिल्कुल ज़रा सी ही देर में ये आलू जो है वो गल गए। तो आलू हमेशा पहचान लें कि अच्छे कौन से हैं, जायका किन का अच्छा है, और एक लॉट आती है अच्छे निकलते हैं तो फिर उसको खासकर आलू गोश्त के लिए ही रख छोड़ें, बाकी के आलू जो हैं वो किसी और चीज़ के लिए बनाए जा सकते हैं। तो हम बिल्कुल यही करते हैं कि आलू गोश्त वाले आलू जो हैं वो जो हमें पसंद आए वो एक तरफ रख लेते हैं। तो गोभी देखते हैं इसका क्या हाल है। तो 2 सालन देखा आपने कितनी जल्दी जो हैं तैयार हुए हैं। जाके अब धनिया लेके आते हैं भाग के बाहर से। तो ये देखें आलू गोश्त कितना खूबसूरत है। तो ये डालते हैं धनिया क्योंकि हमारे किचन गार्डन का है। आलू गोश्त को भी ज़रा सा और प्यारा कर दें, ये देखें जी, चलें जी। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल तैयार। तो यूँ आप गोश्त को फ्रीज करें और ताज़ा का ताज़ा सालन जो है वो अपने घर में तैयार करें चंद मिनट्स में, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये टिप जो है ये बहुत हैंडी रहेगी, हमें यकीन है हमारे साथियों के लिए जो कि काम करने वाले हैं, जॉब्स करने वाले हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या अकेले रहने वाले हैं, उनका बहुत सा पैसा बचेगा जो कि वो बाहर के खाने पर खर्च करते हैं और एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो इस तौर पे वो अपना सकेंगे जिसमें कि टेस्ट भी है और हेल्थ भी है। तो घर का पका हुआ खाना जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की है और हमें लगता है कि बरकत भी उसी में है कि हमेशा से ही घर वाली का चूल्हा जो है वो जलता रहे। तो
तो खुदा करे कि ये टेक्निक जो है ये आपके काम आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।